सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। महाकाल वो हस्ती है जिसे मिलने को दुनिया तरसती है और हम उसी महफिल में बैठते हैं जहां महाकाल की महफिल सजती है। जो कल था उसे भूल कर तो देख, जो आज है उसे जी कर तो देख, आने वाला पल खुद ही सवर जाएगा ओम नमः शिवाय बोल के तो देख। चल रही हो धूप में तो महाकाल तेरी छाया है, सड़न है तेरी सच्ची बाकी तो सब मोह माया है। कर्ता करे ना कर सके शिव करे सो कोई, तीन लोक सौ खंड में शिव से बड़ा ना कोई। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का पंचांग 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 8:02 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 5:42 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:44 से 11:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का त्योहार शनिवार 18 फरवरी को रात 8:02 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन रविवार 19 फरवरी को शाम 4:18 पर होगा। चूँकि महाशिवरात्रि की पूजा निशीता काल में की जाती है इसीलिए यह त्योहार 18 फरवरी को ही मनाना उचित होगा यानी आज। महाशिवरात्रि पर 4 की पूजा मुहूर्त। प्रथम पहर पूजा मुहूर्त 18 फरवरी को शाम 6:41 से रात्रि 9:57 तक रहेगा। द्वितीय पहर पूजा 18 फरवरी को रात 9:50 से रात्रि 12:53 तक रहेगा। तृतीय पहर पूजा मुहूर्त 19 फरवरी को रात 12:53 से 3:58 तक रहेगा। चतुर्थ पहर मुहूर्त 19 फरवरी को रात्रि 3:58 से सुबह 7:06 तक रहेगा। व्रत प्रारण 19 फरवरी को सुबह 6:11 से दोपहर 2:41 तक रहेगा। मकर राशि 8 फरवरी 2023 दिन शनिवार। आज आपको अपने दृष्टिकोण को आंतरिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझने और इस कला में पारंगत होने की आवश्यकता महसूस होगी। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्याओं को समझना होगा, नहीं तो आप अपने अच्छे इरादे के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। आपको यह भी समझना है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराव संभव है जो आपके ही जितना महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्पी है। इस राशि वाले कारोबारी व्यापारी और नौकरी पेशा वालों को आज कामकाज में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। काम धंधे के समय व्यापार में ग्राहकों से पेमेंट वसूली से जुड़ी परेशानी हो सकती है। कुछ पार्टियों से पेमेंट कलेक्ट होने में देरी रहेगी जिसके चलते काम प्रभावित हो सकता है। जमीन जायदाद के मामलों में पारिवारिक लोग कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं, ऐसे में आप थोड़ा सावधान होकर चलें। इस राशि के नौकरी करने वाले जातकों के ऑफिस में विचारों के मुताबिक माहौल बन जाएगा और आपके साथी भी सहयोग करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस राशि वालों का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। पति पत्नी के मध्य किसी बात पर छीना झपटी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है जिसके चलते परेशानी होगी। संतान के विषय पर जीवन साथी के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं होगी। छात्रों को सफलता के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए समय निकाल लेना अच्छा रहेगा। सावधानियाँ, यदि आपने कोई मन्नत मांगी थी तो वो पूरी हो सकती है। आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आप किसी भी संबंध के भावनात्मक पक्ष से अधिक जुड़े रहते हैं और इसीलिए यह नहीं समझ पा रहे हैं कि संबंध बहुआयामी होता है। आपको गोल चक्करों में घूमना है।
जो अपने आप में मजेदार तो है ही, लेकिन चुनौतियों से भरी भी है। आपको किसी ऐसे के करीब आने का मौका मिलेगा जिसके आप लंबे समय से प्रशंसक हैं। आप उसके साथ बहुत खुशी महसूस करेंगे। बात करते हैं करियर की। आपके व्यवसायिक कौशल में तेजी आएगी और आप एक मजबूत भावना के साथ पेशवर दौड़ में वापस स्थापित होंगे। आपको अपने पद और आय को एक समान या बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे और अभी तक आप अपने कार्य और पद की तुलना में काफी अल्प आय प्राप्त कर रहे थे। बात करते हैं सेहत की। आपको आज का दिन आराम से गुजारना होगा। सुबह उठने से ही लेकर आप काफी आलस्य महसूस करेंगे जिसका असर आप पर पूरे दिन बना रहेगा। दिन जैसे ही आगे बढ़ेगा आपकी जोड़ों के दर्द और कमर दर्द की समस्या गंभीर रूप लेती दिखाई दे रही है और आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे कार्य ना करें जिनसे दर्द बढ़ जाए। आज समय है कि आप अपने सब कामों से छुट्टी लेकर आराम से दिन बिताएं। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।